Now we'll see the white color. This is with the visor. कि कौन सा वाला जीता है, कौन सा वाला हारता है. Let's go. 47 degree centigrade is the outside temperature. Open थोड़ा visor मैंने जान के रखा है ताकि heat अंदर की dissipate होती रहे. But comparison दोनों का equal रखा है and उसके बाद ही हम लोग now we're gonna see धूप में कितना है. Oh my In today's video, we are going to compare a large dark helmet versus white helmet. See the difference? क्या फर्क पड़ता है गर्मी और सर्दी में? डार्क हेलमेट और लाइट हेलमेट में. लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. आई थिंक कंपैरिजन में मुकाबला सेम है, हेलमेट सेम है. लार्ज साइज स्टील बर्ड हेलमेट, साइबॉर्ग, एनी अदर हेलमेट विल डू, बट हैव टू बी द सेम. डोंट वरी अबाउट द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ द कंपनी. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हेलमेट कंपनी का हो, नो मैटर व्हिच हेलमेट इट इज, बट मेक श्योर दैट द कंपनी or the helmet is the same. Black color and white color I have taken and chosen. So let's see the difference. Now we'll see the white color. This is with the visor. So guys, this is the white helmet. Same company, same size. Just to show you the comparison between them both. Kaise lagte hain dono? Acche lagte hain. Not that bad. But we'll have to see jis karan aur kya farak padta hai. Heat and cold mein कौन सा बेटर रहेगा. वी आर गोइंग टू गो आउटसाइड व्हिच इज अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड एट द प्रेजेंट मोमेंट गाइस. सो बी वेरी केयरफुल. ओह माय गॉड गाइस, वी हैव गॉट आउटसाइड नाउ. टेम्परेचर इज अबाउट 45 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाइट हेलमेट वर्सेस द ब्लैक हेलमेट, द लाइटर हेलमेट कलर्ड वन एंड द डार्कर कलर्ड हेलमेट. लेट्स सी बोथ ऑफ देम एंड कंपेयर बोथ ऑफ देम. लेट्स सी कि कौन सा वाला जीतता है, कौन सा वाला हारता है. लेट्स गो. 47 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आउटसाइड टेम्परेचर एंड नाउ वी आर गोना कंपेयर बोथ ऑफ देम. कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं. और एट द सेम प्लेस एंड बोथ ऑफ देम विल बी डूइंग द टेस्ट. ओपन थोड़ा वाइजर मैंने जान के रखा है ताकि हीट अंदर की डिसिपेट होती रहे. बट कंपेरिजन दोनों का इक्वल रखा है एंड उसके बाद ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा हेलमेट विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ द हीट. एंड मेरे ख्याल से मुकाबला बहुत टाइट होने वाला है. ऑल द सेंस बनता है कि जिसका हेलमेट लाइटर कलर हो विल हैव अ लाइट टेम्परेचर डिफरेंस, कम होगा टेम्परेचर उसका एज कम्पेयर टू डार्क वन. सो ओवरऑल ऊपरऑल उसका टेम्परेचर यार दिखा रहा है 51 डिग्री ऑन द शेड. 51 ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एवरेज 51 डिग्री ऑन द शेड. इसमें नॉट ऑन द शेड बट डायरेक्ट सनलाइट में 51 दिखा रहा है. मुझे इसी से पता लग जाता है कि यार गाइस कितना फ़र्क पड़ जाएगा. शेड में जो ब्लैक वाला दिखा रहा है वो डायरेक्ट धूप में दिखा रहा है, शेड से भी कम दिखा रहा है ये. सो गाइस नाउ वी गोना सी धूप में कितना है. ओह माय गॉड गाइस, 68-67 डिग्री सेंटीग्रेड. फैंटास्टिक यार, बहुत माइंड बॉगलिंग डिफरेंस है यार. 50 डिग्री, 51 ले लो. ये 51 लेते हैं एंड नाउ दिस वन इज 65 64 65. एवरेज लेते हैं, लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 65. या फैंटास्टिक मैन, ह्यूज डिफरेंस. व्हाइट वन इज अ क्लियर विनर गाइस, नो डाउट अबाउट इट. सर्दी में काला बेटर रहेगा बिकॉज हीट अंदर अब्जॉर्ब करता है तो गर्म रहेगा, और गर्मी में व्हाइट बेटर है बिकॉज वो हीट को डिसिपेट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. तो क्या होगा कि हेलमेट गर्म नहीं होगा ज़्यादा, तो अंदर भी कंफर्टेबल रहेगा आपको ज़्यादा देर तक. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अ लाइटर कलर्ड हेलमेट गाइस एज कम्पेयर टू अ डार्कर वन. तो काइंडली मेक श्योर दैट द हेलमेट दैट यू आर गोना टेक इज अ लाइटर वन फॉर समर्स. तो गर्मियों में भाई लाइट कलर का हेलमेट लो, सर्दियों में डार्क कलर का हेलमेट लो. बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार, 8-10 डिग्री मिनिमम ले रहा हूँ मैं. अब एक बार और ट्राई करते हैं यार साइड पे, डायरेक्ट हीट पे कितना पड़ रहा है ये. डायरेक्ट में 64 एंड लेट्स टेक दिस वन 52
53, 54, 53, सीधा ही 10 डिग्री का तो स्ट्रेट अवे फर्क पड़ गया गाइस, स्ट्रेट अवे गाइस, स्ट्रेट अवे, नो डूबेज अबाउट इट। 61, 63, 66, 67 डिग्रीज यार, 68 डिग्रीज दिखा रहे गाइस। सो गाइस व्हाई डज दिस हैपन है, नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट। मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली बना के, व्हाई डज दिस हैपन, हाउ डज दिस। सो गाइस व्हाट हैपेंस इज सन रेज आती हैं ब्लैक हेलमेट्स पे या डार्क हेलमेट्स पे, सन रेज आती हैं और अब्जॉर्ब हो जाता है। डार्क हेलमेट्स क्या करते हैं, हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइटर हेलमेट। सो व्हाट हैपेंस इज द हीट इनसाइड द हेलमेट बिकम्स ग्रेटर एंड द डार्कर हेलमेट्स गेट हीटेड अप मोर। ठीक है, तो डार्क हेलमेट्स हरदम गर्म ज़्यादा होंगे लाइटर हेलमेट से। सो व्हाट हैपेंस इन लाइटर हेलमेट्स, नाउ लेट्स दैट फाइंड आउट देयर। सो यस, क्या होता है कि सन रेज जब लाइट हेलमेट पर पड़ती हैं तो लाइट हेलमेट जो होते हैं वो हीट की रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। तो उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज यू नो द हीट रेज दैट आर कमिंग एंड दैट हिट द वाइट हेलमेट दे बाउंस बैक, सो हीट डजंट गेट अब्जॉर्ब बाय अ वाइट कलर्ड और अ लाइट कलर्ड हेलमेट। सो द ब्लैक कलर अब्जॉर्ब ऑल द सन रेज एंड डजंट रिफ्लेक्ट एनीथिंग बैक एज कम्पेयर टू द वाइट कलर्ड हेलमेट जो कि भाई सब रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। सो व्हाइट कलर इज ऑलवेज कूलर, ठंडा है वाइट, ठंडा। लाइट कलर हेलमेट्स विल ऑलवेज बी कूलर एज कम्पेयर टू डार्क कलर हेलमेट्स। सो दैट्स द होल सिचुएशन ऑफ द स्टोरी। सो लाइट कलर समर्स के लिए बेस्ट है। सो लवली पीपल, कीप राइडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। एसयूवी टर्बो साइनिंग ऑफ। गेट रेडी फॉर लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस कमिंग अप वेरी सून गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, लॉग इन टू माई चैनल, subscribe, share and like if you like the channel and be ready for lots of surprises coming up very soon.